नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर भीम सिंह ने 24 सितंबर से 30 सितंबर तक जिले में लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं सारंगढ़ में भी लॉकडाउन के पहले दिन शहर की गलियां, चौक चौराहे सुनी नजर आई। सारंगढ़ पुलिस द्वारा लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए चौक चौराहों में पुलिस मुस्तैद की गई है, साथ ही लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। रायगढ़ जिले में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने का निर्देश दिया है। यह लॉकडाउन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगा। वहीं जिले में कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन की घोषणा करते ही रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कोरोना के बढ़ते हुए चेन को तोड़ने के लिए कमर कस लिया है और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया है कि सभी अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराएं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश मिलते ही सारंगढ़ एसडीओपी जितेंद्र खूटे, थाना प्रभारी आशीष वासनिक ने लॉकडाउन का सारंगढ़ क्षेत्र में 100% पालन कराने के लिए बुधवार की शाम शहर के गली मोहल्लों में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सारंगढ़ के नवपदस्थ एसडीएम नंद कुमार चौबे, तहसीलदार जे एस शतरंज, नगर पालिका सीएमओ संजय सिंह मौजूद रहे। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाल कर यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले की तरह इस बार भी लॉकडाउन में काफी सख्ती होगी, सभी को इस लॉकडाउन का पालन करना होगा। वहीं गुरुवार को सुबह से ही गली मोहल्लों के साथ ही साथ सारंगढ़ की मुख्य सड़कें भी सुनी नजर आई। चौक चौराहों सहित मुख्य सड़कों में भी पुलिस की पहरेदारी देखी गई। बेवजह घूमने वालों को पुलिस द्वारा सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि दोबारा बेवजह घूमते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं पेट्रोल पंपों को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल वितरण करने की अनुमति दी गई है। मेडिकल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही जो मेडिकल अस्पताल परिसर के अंदर है उन्हें 24 घंटों तक खोलने की अनुमति दी गई है। दूध पार्लर एवं वितरण के लिए समय सुबह 6 से 8 रखा गया है। वहीं संध्या 5 से 6:30 बजे तक रखा गया है। सारंगढ़ एसडीओपी जितेंद्र खूटे व थाना प्रभारी आशीष वासनिक की सक्रियता से सारंगढ़ में लॉकडाउन का 100% पालन होता नजर आ रहा है। लोग भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सारंगढ़ पुलिस द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग कराया जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी बेवजह घर से बाहर ना निकले। अपनी रक्षा व परिवार की रक्षा के लिए सभी लॉकडाउन का पालन करें। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण मेडिकल दुकान प्रातः 9 बजे से शाम को 6 बजे अभी लॉकडाउन लागू होने से पहले 2 दिन हमने लाउड स्पीकर से मुनादी करा के लोगों से अपील किया था और आज से सुबह 6 बजे से रात्रि तक सारंगढ़ नगर में 8 जगह हमने फिक्स पॉइंट बनाया है। 3 पेट्रोलिंग पार्टी है जो कि मोटरसाइकिल में घूम रही है और आज हमने देखा है कि सारंगढ़ के लोग लॉकडाउन का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सारंगढ़ नगर पालिका के आसपास के जो गांव हैं, गांव के लोगों ने सोफुर्त अपने गांव को लॉकडाउन किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कोरोना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इसकी चैन तोड़ने के लिए हमें घर पर ही रहना है और अच्छा लोगों का साथ हमें मिल रहा है। सर, एक दो दिन घूमते नजर आए सर, उनको कैसे रिहा दिया जा रहा है सर आपके द्वारा? एक दो जो छुटपुट जो बदमाश किस्म के लोग अगर वो मिलते हैं तो उनकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लेते हैं, उनको पैदल जाने बोलते हैं और डांट भी लगाते हैं और उनका फोटो खींचते हैं और बोलेंगे, उनको बोल रहे हैं कि ये ग्रुप में वायरल करेंगे और बताएंगे कि इन लोगों के कारण कोरोना बढ़ रहा है, जिसके कारण भी लोग अब नहीं निकल रहे हैं। क्या माना जाए सर, रोज शाम को आपको पेट्रोलिंग करेंगे क्षेत्र में देखा जाए लाउड स्पीकर के साथ? हाँ, रोज सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कंटिन्यू आपको पुलिस नगर में दिखेगी। हम पैदल भी घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल में भी घूम रहे हैं और 4 चक्का वाहन में भी घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन 24। खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए एशियन 24। नमस्कार।